अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इफ्तार स्पेशल ड्रिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सेवन अप ले लें, आप डाइट सेवन अप भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा पुदीना ले लें, वन बंच ले लें, थोड़ी आइस क्यूब्स ले लें, 8 to 10 जितने भी आपको, मतलब ठंडा पानी यूज़ करें तो ना लें बेशक, आप लोग की अपनी मर्जी है। 2 लेमन मैंने लिए हैं, उसको स्क्वीज़ करके रख लिया है। शुगर एज पर योर टेस्ट, काला नमक ले लें, अजवाइन, ब्लैक पेपर और अदरक थोड़ा सा, जितना भी मतलब मैंने आपको दिखाया हुआ है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। आपने इतना 1 कप वाटर लेना है, बिल्कुल जितना मतलब उसमें ब्लेंड हो जाए ये सब चीज़ें, ठीक है, उतना पानी आपने ले लेना है, ठीक है। और ये 1 बंच ऑफ पुदीना लीव्स, मिंट लीव्स, ठीक है, ये हमने डाल ली हैं। अब हम थोड़ा सा आपने अदरक लेना है, लेमन स्क्वीज़ किया हुआ है मैंने, 2 लेमन मैंने यूज़ किया। आपको मतलब देखना है कि आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है कि नहीं, तो आपने 2 ले लेने हैं। मैंने 2 यूज़ किए हैं, 2 छोटे लेमन यूज़ किए हैं, ठीक है। और मैंने शुगर डाली है 6 टेबल स्पून, ठीक है। और अच्छा, मैंने काला नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 पिंच तक डाला है। और ब्लैक पेपर 1 पिंच, और अजवाइन भी आपने 1 पिंच ही ले लेनी है, 1 पिंच ही डालनी है, ठीक है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए गाइस, अब मैंने जो है ना उसको छान के इसमें डाल लिया है। आपने इसको पहले छान लेना है और फिर इसको इसमें ग्लास में इस तरह से डाल देना है। बता रही थी आपको 4 टेबलस्पून आपने ग्लास में निकाल के ना डाल लेना है, ये जो हमने मटेरियल बनाया है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें 7 अप डालनी है इसी और फिर ये ड्रिंक और अच्छी बन जाएगी और आप इसको इफ्तारी में पी सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, माशाल्लाह से हमारा ड्रिंक तो रेडी हो चुका है। अब आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।